चलिए 2024 चुनाव से पहले माँ ने दस्तक दे दिया है और अब सबको आशीर्वाद देने जा रही है। चुनावी माहौल तो अलग मुद्दा है, फिलहाल नवरात्र चल रहा है और अब पूजा के बाद जो है दशहरा का धूमधाम मचा हुआ है पूरे शहर में, चाहे वो बागमारा रहे, कतरास रहे या धनबाद रहे या पूरा देश रहे, माँ का आगमन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे बीच में बैठे हैं रोहित यादव जी और इन्होंने भी माँ के लिए बहुत सारा चीज़ किया, पंडाल में जाकर के दर्शन भी किए। अब ये जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं माँ को लेकर के, उसके बाद बात हम दूसरी करेंगे। सबसे पहले रोहित यादव जी हमारे साथ में हैं, तो सर एक ही बताइए, हमारे जनता जनार्दन के समक्ष अभी माँ दर्शन देने के लिए आई है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बाद फिर अगले पल पे हम लोग बात करेंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर बागमारा क्षेत्र की सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और यहाँ की आम जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि पूरे श्रद्धा और धूमधाम से शांतिपूर्वक माँ दुर्गा का पर्व को मनाएं और खुशियों का आनंद लें और माँ दुर्गा सभी का कल्याण करें। सर जी, अभी 2024 विधानसभा नज़दीक है और बागमारा एक शापित जगह माना जाता है क्योंकि लगातार यहाँ पे बीजेपी अपना पंजा गड़ाए हुए है। आपको क्या लगता है कि ये पंजा कबड़ पाएगा या कांग्रेस पार्टी भिड़ पाएगी? आप इसका जवाब दीजिए जनता को। निश्चित रूप से जनता में जो उत्साह है यहाँ कर भाजपा के प्रति, खास करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे 15 वर्षों से, जनता एक एक नौजवान, एक एक महिलाएं, एक एक बुजुर्ग उब चुके हैं, हर समाज के लोग उब चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट अगर हमको देती है तो निश्चित रूप से भारी अंतर से बीजेपी को यहाँ से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। एक सवाल और है सर, यहाँ पे माइंस भरमार है बागमारा और यहाँ पे रोजगार की कमी नहीं है, फिर भी बेरोजगारी क्यों? अभी भी देखे हैं कि झारखंड सरकार जो है वहाँ से कोई आया था टुंडी में जिसका डेथ हो गया, जिसमें मथुरा महतो जी गए थे वहाँ पे। आज बागमारा की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि पूरा क्षेत्र कोलियरियों से पटा हुआ है, तमाम आउटसोर्सिंग है, हर कोलियरी में कोयला ई ऑक्शन द्वारा बिकता है, लेकिन यहाँ के विधायक द्वारा सारी कोलियरियों आउटसोर्सिंग कंपनियों पर इतनी बुरी तरह कब्जा करके बैठे हैं कि नौजवानों को रोजगार देते हैं और न ही कोई यहाँ कोयला का डीओ लगा सकता है, जो एक गाड़ी भी कोयला यहाँ बागमारा से उठा करके मंडियों तक बेरोजगार और नौजवान बेच सके। तो इस कुव्यवस्था से जनता यहाँ की उबी हुई है कि सारे रोजगार के संसाधन एक व्यक्ति के चलते यहाँ सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और बागमारा की बेरोजगारी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो सर एक चीज़ बताइए कि क्या इसका तोड़ है? मान लीजिए कि आप गद्दी पे आकर के बैठ गए तो क्या तोड़ होगा? 6 महीना लगेगा, जो 5,000 नौजवानों को कम से कम आउटसोर्सिंगों में समायोजन हो जाएगा, हाई पावर कमेटी की जो सिफारिश है कहीं पेमेंट नहीं होता है, वो सारा पैसा नेताओं के घर में चला जाता है, मजदूरों को 10,000-12,000 में 12 घंटा काम लिया जाता है। तो निश्चित रूप से 6 महीना के अंदर कोलियरियों का कब्जा और आउटसोर्सिंग में जो कब्जा है, निश्चित रूप से अगर हमको मौका मिलेगा तो 6 महीना के अंदर सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि रोहित यादव जी का जो सीधा कहना है, गद्दी पे आने के बाद मुझे 6 महीना का वक्त चाहिए क्योंकि ये एक दिन में समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। 15 वर्ष से जो जंग लगा हुआ है इस बागमारा क्षेत्र में, मजदूरों और बेरोजगारी को बांध के जो रखा हुआ है उसे हटाने के लिए 6 महीना तो कम से कम चाहिए। अब रही बात जो 12-12 घंटा खट रहे मजदूर लोग और उसे 10,000 के आसपास तनख्वाह दिया जा रहा है, लेकिन उसका पेमेंट तो कुछ और ही है। सवाल तो यहाँ भी है, यानी कि भ्रष्टाचार
इस ढंग से फैला हुआ है, इसे हटाने के लिए कोई भी दल अगर आता है, उनका मन में ये निर्णय है कि मुझे इसे साफ करना है, तो समय लगेगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।